एवरीवन, मैं एसजी नीटिंग एंड क्राफ्ट्स। फ्रेंड्स, आज आपको मैं जे कैप और बूट कैसे बनाने हैं जे बताऊंगी। आज इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने जे स्वेटर बता दिया था कि कैसे बनाना है, इसमें दो जो डिजाइन डाले हैं जे भी बता दिए थे। जिन्होंने अभी तक जे वाला फर्स्ट इसका पार्ट नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज कैप और बूट हम आगे वीडियो में देखते हैं कैसे बनाने हैं। इस पूरे सेट को बनाने के लिए मेरी बूल 200 के लगभग मेरी बूल लग गई है जी। ऐसे इस डिब्बे में बूल आती है, बेबी सॉफ्ट वर्धमान की बूल है जी। इस डिब्बे में एक गोला 25 ग्राम का गोला होता है, तो इसमें 6 गोले थे, तो मेरी जी पूरी 150 ग्राम इसमें थी लग गई। और 50 ग्राम में जी ग्रीन कलर जे वाला लगा है। पूरी 200 ग्राम में स्वेटर तैयार हुआ है। तो अब आपको मैं जे कैप कैसे बनानी है बताऊंगी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना, बतवा शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको जे वीडियो कैसी लगी। तो इस कैप को बनाने के लिए मैंने 90 फंदे लिए हैं, 90 फंदे। 90 फंदे जब आपने डाल लिए सिलाई में, उसके बाद आपने ये सीधी सीधी या उल्टी उल्टी रो का आपने 8 रो का बॉर्डर बना लेना है। उसके बाद जो मैंने फर्स्ट पार्ट में जे वाला स्वेटर में जो डिजाइन डाला है, फर्स्ट और सेकंड दो डिजाइन डाले जे बताए हुए हैं, तो जे कैप में भी ऐसे ही डालने हैं। जे मैंने तीन बार या 4 बार आपकी मर्जी है जे डाल सकते हो, और ऊपर जो दूसरा डिजाइन है वो डालना है जी। आपने 5 इंच ऐसे तैयार कर लेना है, 90 फंदे डाल के बॉर्डर बना के, उसके बाद फर्स्ट डिजाइन और सेकंड डिजाइन 5 इंच बनाने के बाद ऊपर जो कटाई करनी है अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि इस कैप की मैं वीडियो नहीं बना पाई, मुझे फीवर बहुत हो गया था, इसलिए मैं जहां से आपको बताऊंगी दूसरे मैं सिलाई में फंदे डाल के, इसमें 90 फंदे डाले हैं तो आपको मैं 50 फंदों में कटाई कैसे, जहां से जे ऊपर जो कैप की शेप दी है कैसे करनी है जे बताऊंगी। बनाना ऐसे ही है जैसे मैंने जहां बनाया है सेम, आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको सेम जे पैटर्न में आपको बताऊंगी कि जहां फंदों का कैसे डिवाइड करके फंदे हमने कम करने हैं और कैसे हमने जहां से गुलाई देनी है जे पूरी कैप की, ऐसे ही आपको बताऊंगी। अगर इसमें भी बताती तो 5 इंच बुनने के बाद जहां से मैं स्टार्ट करती, तो आगे आपको मैं जहां से जब आपने 5 इंच बुन लिया बॉर्डर से लेके बॉर्डर में बीच में आएगा, 5 इंच बुनने के बाद जहां से कैसे कटाई करनी है, फर्क सिर्फ इतना है कि जे मैं 90 फंदों में जे कैप बनाई है तो आपको जे मैं सिलाई मैंने 50 फंदे डाले है, तो 50 फंदों में कैसे कटाई करनी है। 5 इंच जब आपने अपना कैप बुन ले उसके बाद कटाई कैसे करेंगे, तो प्रोसीजर सेम रहेगा जो 90 फंदों में था, जो 50 फंदों में भी सेम वही प्रोसीजर होगा, ढंग वैसे ही है जैसे मैंने उसमें किया है। तो पैटर्न मैंने वही वाला रखा है, ये जो पैटर्न ऊपर कैप में जो डला हुआ है, दो उल्टे का एक फंदा ऐसे निकालना, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में ये बताया हुआ है। तो जहां भी जब बनाते जाएगी तो आपको ये पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा अभी पता चल जाएगा। तो बनाना इसीलिए पैटर्न रखा है कि जब कटाई डालते हैं तो आपका में उसमें पैटर्न भी आपका कैसे चलेगा साथ में। तो देखते हैं कि 5 इंच बुनने के बाद ऊपर कैप की कटाई कैसे करनी है, शेप कैसे देनी है। जब आपने 5 इंच आपने कैप बना ली बॉर्डर से लेके, तो कटाई कैसे करनी है। मैंने 90 फंदों में 7-7 फंदों का मैंने रखी है, 7 फंदे के बाद कटाई, 7 फंदे के बाद कटाई, तो 50 फंदों में भी मैंने आपको इसी में 50 फंदे डाले हैं, तो इसी में मैंने 7 फंदे के बाद मैं 7-7 फंदों का डिवीजन किया है। तो जहां भी मैंने आपको 7-7 फंदे का डिवीजन बताऊंगी, इस कैप में मैंने 7-7 फंदों का डिवीजन किया, कटाई की है, वो कैसे की है अभी आपको बताऊंगी, प्रोसीजर सेम ही है। पहला फंदा हम ऐसे निकालेंगे, जो हमारा
ये वाला साइड वाला चल रहा है, उसके बाद दो फंदे एक साथ बुनेंगे। दो फंदे एक साथ बुन ले उसके बाद सात फंदे हम जैसे पैटर्न चल रहे हैं वैसे बुन लेंगे सात फंदे। ये फंदा हमारा जो है बिना बुने हुए इसको ले लेंगे, जैसे आपका डिजाइन आगे आएगा तो ऐसे हम सात फंदे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे साथ में जी बनाते जाना है, तो काउंट भी करते जाना कितने फंदे हमारे हो गए। पहला फंदा एज वाला दो फंदे का एक फंदा हमने बनाया, एक फंदा हमने स्लिप किया, दो फंदे उल्टे जो डिजाइन के तीन फंदे हो गए जो स्लिप किया, चौथा धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, ये हमारे छह फंदे हो गए। धागा किया एक दो तीन चार पांच छह, तो सातवां हमारा जी स्लिप कर लिया। सात फंदे हमने बुन ले, मतलब जो पैटर्न चल रहा है वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दो फंदे का एक फंदा हम बनाएंगे, जहां सात फंदे बुनने के बाद दो फंदे का एक फंदा बना लिया, उसके बाद जैसे आगे पैटर्न आ रहा है वैसे चलता जाएगा। सात फंदे हमने बुनने हैं, सात फंदे बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात, साथ में मैं पैटर्न भी बुन रही हूं जो मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है। तो आगे सात फंदे बुनने के बाद दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे ऐसे, फिर उसके बाद सात फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात, सात फंदे बुन ले, उसके बाद दो का एक करेंगे ऐसे आगे से नीडल डाल के ऐसे, एक फिर सात फंदे बुनेंगे, दो तीन चार पांच छ सात, ऐसे ही कटाई करनी है। पहला फंदा हमने पहला एज वाला निकाला था ऐसे ही, उसके बाद दो का एक किया, उसके बाद सात फंदे बुने दो का एक, सात फंदे बुने दो का एक, सात फंदे बुने दो का एक फंदा बनाया, ऐसे ही हमने बनाते जाना है। ये हमारे सात फंदे हमने, ये सात फंदे हमने बुन ले, उसके बाद दो का एक करेंगे, सात फंदे फिर बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छ और ये सात, लास्ट में दो का एक कर देंगे। जहां पर 90 फंदों में ऐसे करना है, लास्ट में आपने जब दो का एक कर लिया लास्ट में जितने आपके फंदे रह गए वो आपने ऐसे ही बुन लेने हैं। जी मेरे 50 फंदे थे तो ऐसे ही मैंने सात सात फंदे की सेम वही ढंग से मैंने आपको कटाई करके बताई। जब भी आपने सीधी तरफ आना है जी ऐसे ही फंदे कटाने हैं, ऐसे ही फंदे कटाने हैं। फर्स्ट जे जब सात फंदे हमने घटाए तो जब अगली तरफ सीधी तरफ आएंगे तो छह घटाने हैं, वो कैसे करने आगे आगे आपको मैं बताती जाऊंगी। अभी सीधी तरफ हमने घटा लिए, सात दो का एक, सात दो का एक ऐसे कर लिया। रॉन्ग साइड हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना, तो हमारा पैटर्न भी रॉन्ग साइड पूरी रो उल्टी जाती है। जो पैटर्न अभी चल रहा है इसमें पूरी सिलाई हमारी उल्टी जाएगी, जहां तक मैं पूरी रो निकाल लेती हूँ जी उल्टी, इसमें कोई फंदा कम नहीं करना। सीधी तरफ आऊंगी तब मैं बताऊंगी आगे कैसे फंदे कटाने हैं। ये मैं बना लेती हूँ, अब मैं रॉन्ग साइड की मैंने रो निकाल ली, अब सीधी तरफ आ गई। सीधी तरफ पहला फंदा हम ऐसे निकालेंगे, पहले हमने पहले दो का एक कर लेते हैं, दो का एक कर लेंगे, पहला फंदा निकाल के दो का एक। पहले हमने सात फंदे बुने थे, अब छह फंदे बुनेंगे, छह फंदे बुन के दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे। छह फंदे पहले बुन लेते हैं, जैसे पैटर्न हमारा चल रहा है ऐसे ही करेंगे। ये दो उल्टे आ रहे हैं, दो उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे करके एक निकाल लेंगे, तीन फंदे हमारे हो गए, तीन चार पांच छ ये सात, हमारे जे सात फंदे सॉरी छ करने हैं, जहां छ फंदे हमारे जहां हो गए। अब छ फंदे हमने बुन ले, पहला फंदा ऐसे निकाला दो का एक, एक दो तीन चार पांच छ, छह फंदे बुन ले, अब दो का एक करना है। दो का एक देखो आगे आपका पैटर्न कैसे चल रहा है, जे सीधा जे उल्टा फंदा, तो ऐसे दो का एक कर लेना, जैसे आपका पैटर्न आगे आएगा दो का एक करेंगे, फिर छह फंदे बुन लेंगे जैसे पैटर्न चल रहा है, दो तीन
चार पांच छ, छह फंदे बुन ले, फिर दो का एक करेंगे। ऐसे दो का एक कर लिया, फिर छह फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छ, छह फंदे बुन ले, फिर दो का एक, दो फंदे ऐसे इकट्ठे बुन के एक फंदा बना लेंगे, फिर छह फंदे बुनेंगे धागा आगे करके जैसे पैटर्न है, दो तीन चार पांच छ, छह फंदे हमने बुन ले, दो का एक करना। ये आपको मैं घटाई बता रही हूं, ठीक है। पांच बुनने के बाद जो घटाई करनी है, ऊपर हमने एक दो तीन चार पांच और ये छ, तो आगे हमारे दो फंदे रहते हैं, तो इसको ऐसे बुन लेना है। अब जहां नहीं घटाई होगी हमारी, उल्टी रो हम मैं उल्टी निकाल लेती हूँ। अब उल्टी रो मैंने निकाल ली, फिर हम सीधी तरफ आ गए। जैसे कुछ शेप बनती जा रही है, ऐसे ही शेप बनती जाएगी। अब हम पहला फंदा ऐसे निकालेंगे, दो का एक पहले कर लेते हैं। पहले फंदे के बाद पिछले वाले छह बुने थे, अब पांच बुनेंगे, एक इसको उल्टा बुनना है, उल्टा है ये, एक दो तीन चार पांच, पांच बुन ले, दो का एक करेंगे जहां ऐसे, दो का एक। अब पांच बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर दो का एक करेंगे, फिर पांच बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच। साथ में आपने पैटर्न भी बुनते जाना, जब पैटर्न बुनते जाएंगे तो आपका साथ में पैटर्न भी ऐसे ही चलता जाएगा। पांच बुन ले, दो का एक, फिर पांच बुनने हैं, एक दो तीन चार पांच, फिर दो का एक, फिर पांच बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, और लास्ट में दो ही फंदे हैं, इसलिए ये भी बुन लेने हैं। जब ये मेरी सीधी तरफ मैंने कटाई आपको पांच, फिर दो, दो का एक। अब रॉन्ग साइड आ गई, अब ये सिलाई मैं बना लेती हूँ रॉन्ग साइड की। रॉन्ग साइड की मैंने रो निकाल ली, सीधी तरफ आ गए। पहला फंदा ऐसे निकालेंगे, दो का एक करेंगे जहां। अब चार फंदे बुनेंगे, पहले पांच बुने थे, अब चार, एक दो तीन चार, फिर दो का एक करेंगे, फिर चार फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार, फिर दो का एक करेंगे, फिर चार फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार, फिर दो का एक करेंगे, फिर चार फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार, फिर दो का एक करेंगे, फिर आगे जितने फंदे हैं, पांच, जितने भी पांच है, छह है, तो इसको बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट के जितने रह जाए, अगर ज्यादा तो फिर आप दो का एक कर सकते हो। रॉन्ग साइड जैसे फंदे, वो रॉन्ग साइड उल्टी रो निकाल लेंगे, रॉन्ग साइड तो उल्टी रो जाएगी। ये बना लेती हूँ, पहले सीधी तरफ आ गई। अब ध्यान दीजिए जहां कैसे करना है। अब पूरी रो में दो का एक करेंगे,
दो का एक, दो का एक। पहला फंदा ऐसे निकालेंगे, दो फंदे एक साथ, दो का एक करते जाएंगे, दो फंदे एक साथ बुन के, ऐसे दो फंदे एक साथ बुनेंगे, एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे, एक बनाएंगे। पूरी रो में जितने भी आपकी सिलाई में फंदे हैं, दो का एक ऐसे बनाना है। जैसे मैंने 90 फंदों में कैप बनाई है, अब जहां दो का एक ऐसे बनाना है सीधी तरफ, ऐसे लास्ट में दो का एक लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड कोई फंदा कम नहीं करना, पूरी रॉन्ग साइड की उल्टी सिलाई बना लेनी है। तो ऐसे दो का एक करना है सीधी तरफ। अब फिर हम दो का एक करेंगे, पहला फंदा निकालेंगे, अब दो का एक करेंगे, दो का एक, दो का एक, दो का एक, ऐसे दो का एक, दो का एक, दो फंदे एक साथ, लास्ट के भी अब दो फंदे एक साथ बुन लेते हैं। तो अभी बस मेरी सिलाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ फंदे रह गए। तो मेरे 50 थे, तो मेरे जहां जल्दी 8 फंदे हो गए, तो 90 फंदे में जब आप कैप में बनाओगे तो आपका एक दो बार और आपका ऐसे ही घटेगा, दो का एक, दो का एक। कम थे तो इसलिए जल्दी जहां हो गया। तो ऐसे कैप की शेप जे नीडल में धागा डाल के तो बना लेंगे, तो ऊपर से आपकी ऐसे राउंड सी शेप जे आ जाएगी। तो अभी जे आपको कैप में मैं एक बार फिर समझा देती हूँ कैसे किया। प्रोसीजर सेम ही है, बस यही है, ये देखो ऐसे कैप की शेप आ जाएगी। तो इसको फिर नीडल में धागा डाल के इसको बंद कर देना है। तो लास्ट में इसको सिलाई कर देनी है, जी सिलाई ऐसे जहां सिलाई कर देनी है, तो ऊपर आप ये पंपन लगा देना है। तो ऐसी हमारी ये ब्यूटीफुल कैप बनके तैयार हो जाएगी। बहुत ही ये ऐसे इजी बनती है, और इसकी शेप भी बहुत ही बढ़िया आती है, राउंड सी आती है, छोटे बच्चे के ये पूरी एकदम शेप बढ़िया लगती है। तो ये तो कैप होगी, तो आगे बूट, ये बच्चे के जो बूट बनाए हैं ये कैसे बनाने हैं, इसकी मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगी। तो आप जहां जाके ये बूट देख सकते हो, उसमें भी ऐसे दो कलर में बनाए हुए हैं, तो ये दो कलर आप ऐसे डाल के बना सकते हो। तो ये पूरा मैंने आपको, इसका आज सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट भी मैंने बता दिया, पूरा ये बेबी सेट कैसे बना है पूरा बता दिया। तो आपको ये कैसे लगा, ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप। तो थोड़ी भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है, हमारा हौसला बढ़ता है। तो आगे आपके लिए ऐसे ही मैं और ही ब्यूटीफुल वीडियो लेके आऊंगी। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फिर मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू।